अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आजाद चाय वाला। मैंने आज आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है जिसको लॉस लीडर बोलते हैं। ये लॉस लीडर का कॉन्सेप्ट ऐसे होता है कि बजायरन आप ग्राहक को बताते हैं कि मैं आपको कोई चीज मुफ्त की दे रहा हूँ या आपको कोई महंगी चीज ना मैं निहायत सस्ते दाम पे दे रहा हूँ, बट इन रियलिटी क्योंकि आप बिजनेसमैन है आपको पता है कि यू आर सेलिंग देम ए ऐसी चीज आप उनको दे रहे हो जिसकी कॉस्ट आपकी तरफ ना बहुत कम है लेकिन उनकी जो नजर में इट हैज अ हाई वैल्यू। सो आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डाउन। ये जो वीडियो है मैं इसके तीन हिस्से में बना रहा हूँ। एक हिस्सा ये जिसमें आपको लाइव दुनिया में जो ये लॉस लीडर के जो एग्जांपल्स है वो आपको बताऊंगा क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर एक आध मैं अपने बताऊंगा जो मैं खुद अपनी जिंदगी में बिजनेसेस हैं इनमें इस्तेमाल करता हूँ। एंड लास्टली आई एम गोइंग टू गिव यू सेवरल आइटम्स, ऐसे अपनी आइडियाज दूंगा जो आप अपने बिजनेसेस में खुद इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल मेरा मकसद यह है कि मैंने आपके दिमाग में वो जो बत्ती है उसको ऑन करना है या आइडिया डालना है, देन आप उसको पकड़िए और भागिए एंड टेक इट हाउ एवर यू लाइक। ठीक है, सो शुरू करते हैं। नंबर एक, मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स हर कंट्री में नहीं करता लेकिन मैंने उनको देखा है यूएई में, यानी दुबई में। वो क्या करते हैं, वो एक दिरहम की आइसक्रीम देते हैं। नाउ दुबई में आप कहीं भी चले जाओगे आपको एक दिरहम की आइसक्रीम या उस क्वालिटी की आइसक्रीम नहीं मिलेगी। एंड व्हाट दे बेसिकली डू, उनका अट्रैक्शन ये होता है क्योंकि मैकडॉनल्ड्स अमूमन फूड कोर्ट्स में होते हैं और आपको चॉइस बनानी होती है कि मैंने पिज्ज़ा खाना है, मैंने मैकडॉनल्ड्स खाना है, मैंने फ्लां खाना है, सबवे खाना है, क्या खाना है। और उमूमन आप खाना उनसे लेते हो, फिर एंड पे जाके ना मैकडॉनल्ड्स ही से जाके अपनी आइसक्रीम लेते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जब उस लाइन में लग जाते हैं तो फिर जब आहिस्ता 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 लाइन कम होती जा रही है और वो काउंटर तक पहुंचते जा रहे हैं अपनी आइसक्रीम लेने के लिए, तब तक उन्होंने पूरा जो मेन्यू जांच लिया। और अगर उन्होंने पिज्जा खाने का इरादा था या कुछ और खाने का इरादा था, जब वो काउंटर तक पहुंचते हैं ना तो वो इरादा खत्म हो जाता है, उनकी जो नजर है वो बर्गरों पर चली जाती है और चिप्स वगैरह फ्राइज और ड्रिंक्स पे चली जाती है। एंड इवेंचुअली क्या होता है कि वो वहां से ही खाना शुरू कर देते हैं, वहां से खरीद लेते हैं खाना। एंड दिस इज अ स्ट्रेटजी दैट एब्सोल्युटली वर्क्स फॉर मैकडॉनल्ड्स। अगर नहीं काम करती होती दे वुड हैव एक्चुअली बर्गर कप की खत्म कर दी होती थी। सो ये थी मैकडॉनल्ड्स की मिसाल। अगली मिसाल यूके की काफी जो कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं, सुपरमार्केट, यहाँ वो जो बला किस्म के हाइपर स्टोर होते हैं उनको हम सुपरमार्केट बोलते हैं और जो कन्वीनियंस स्टोर होते हैं वो छोटे वाली दुकानें होती हैं, लेकिन इतनी छोटी नहीं, यानी उनका अच्छा खासा 4-5 हज़ार स्क्वायर फुट उनका जो साइज होता है। तो ये क्या करते हैं, ये ATM मशीन होती है जिनमें से कार्ड डाल के पैसे लेते हैं, ये इन्होंने ATM मशीन लगाई होती है लेकिन ये स्टोर के अंदर यानी दरवाजे पे नहीं होती, ये डीप अंदर एंड जो लास्ट कोना होता है ना जहाँ पे सब चीजों से गुजर के वहां पे पहुंचना पड़ता है, वहां पे इन्होंने लगाई होती है और ये मुफ्त के पैसे देते हैं। एक जमाना हुआ करता था 5-10 साल पहले जब आप पैसे निकालने जाया करते तो आपको £1-2 देने पड़ते थे, यानी 100-200 रुपए आपको देने पड़ते थे और तब भी लिमिट हुआ करता था कि आप जी यहाँ से ना सिर्फ £100 निकाल सकते हो और यानी 1-2% अपने पैसे उनको देने पड़ते थे। अब क्या होता है, तकरीबन जहां पे भी लगी हुई ATMs मुफ्त की हैं और जो दुकानदार होते हैं इसको तकरीबन 16 रुपए अपनी जेब से देने पड़ते हैं हर बार बंदा जब इस्तेमाल करता है। लेकिन आइडिया क्या है कि बंदा अंदर जाएगा और इन्होंने भी लिमिट रखा होता है, £50-60 का लिमिट रखा होता है और इनकी बिजली खुद की लगती है, इन्होंने खुद पैसा उस मशीन में भरना होता है, लेकिन फिर भी आप पूछिएगा क्या फायदा इनको। इन्होंने जहाँ पे आप जाते हो वहां पे हर जो डील होती है ना, यानी ब्रेड यहाँ पे हर सुबह खाई जाती है जिस तरह हमें वहां पे रस्से और पराठे वगैरह खाते हैं, एंड दूध यहाँ पे 2-3 बार इस्तेमाल होता है फॉर एक्चुअल फूड्स यानी मील्स के तौर पर। चाय यहाँ पे यूके कहते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 5 कप्स फी बंदा रोजाना के पीता है, सो आप अंदाजा लगा लीजिए दूध यहाँ पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सो उमूमन ये पहली जो चीज करते हैं जहाँ पे ATM मशीन लगी होती है, साथ इन्होंने दूध, अपनी ब्रेड और दूसरी अशिया जो होती है जो लाजमन बंदे को चाहिए होती है वो रखी होती है। सो बंदा क्या करता है, वहां से पैसे निकालता है, फिर जब वो रास्ता निकाल रहा होता है ना यानी टू गो बैक, तो उसको उसकी नजर किसी आइटम पे पड़ जाती है और जाते जाते वो चीजें उठाना शुरू कर देता है। एंड मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो 10-15-20 पाउंड की सेल कर जाता है और उसमें से जो दुकानदार है उसको 4-5-8 पाउंड बन जाते हैं। सो इट्स कॉल्ड ए लॉस लीडर। थोड़ी सी वो टेम्पररी, थोड़ी सी वो लॉस ले रहा है लेकिन जो लॉन्ग टर्म होता है उसका फायदा होता है। ठीक है, सो ये थी दूसरी मिसाल। तीसरी मिसाल आपको देता है, आपने कैंडी क्रश का नाम सुना होगा। ठीक है, कैंडी क्रश जब आप खेलने जाते हो तो वो बजायरन मुफ्त की गेम है और कई मिलियंस ऑफ लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया, लेकिन क्या आप जानते हो कि कैंडी क्रश 350 रुपए यानी $3.5
पर बंदा कमाता है। आप सोचो कि कैसे कमाता है, और उसमें इश्तिहार भी नहीं लगे हुए, कैसे कमाता है? इट्स इन ऐप परचेसेस। ठीक है, अगर कैंडी क्रश शुरू से ही कहता कि जी ये गेम $2 की है, $3.50 की है, तो कोई बंदा ना लेता। सो वो क्या करते हैं, शुरू में से वो गेम मुफ्त की देते हैं, फिर लोग जाते हैं, फिर जब वो एडिक्टेड हो जाते हैं, आदि हो जाते हैं, फंस जाते हैं कहीं पे। ठीक है, पाकिस्तान में क्योंकि इतना शौर नहीं है इन ऐप परचेसेस का, लेकिन जाहिर है बाहर के मुल्कों में है, तो फिर उसमें ना पैसे डालना शुरू कर देते हैं और पैसों की वो चीट्स लेना शुरू कर देते हैं। यार ये मैंने थोड़ा गोल्ड ले लिया तो फलां लेवल पार कर जाऊंगा, या 40वें फंसा हुआ हूँ तो ये थोड़ा सा डायमंड ले लिया और यहाँ पे मुझे आसानी हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो ऑन एवरेज $3.50 कमाते हैं। सो सोच लीजिए अगर वो मुफ्त की ना देते शुरू में, उनकी कोई कमाई ना होती। सो ये है एक एग्जाम्पल लॉस लीडर, जो हम सब जो है जिसको समझ सकते हैं आसानी से। नंबर चार मिसाल है, जिस तरह मैकडॉनल्ड्स है ना, ऐसा एक बर्गर किंग चेन है। ठीक है, और बर्गर किंग उमूमन क्या करता है, उनके मेन्यू पे एक बर्गर होता है जो सिर्फ डॉलर का होता है, यानी ₹100 का वो बर्गर होता है, और उस बर्गर में कोई कमी नहीं है। ये नहीं है कि वो कोई किसी कम दर्जे का है या उसमें कोई खराबी है, लेकिन इट्स अ लॉस लीडर फॉर देम। उसके पीछे जब लोग आते हैं वो बर्गर लेने के लिए, साथ में वो क्या करते हैं, फ्राइज ऑर्डर कर लेते हैं, साथ में क्या कहते हैं, वो मिल्क शेक ले लेते हैं या ड्रिंक्स ले लेते हैं, साथ में दोस्त वगैरह लेके आते हैं, लेकिन दोस्तों को वो वाला बर्गर नहीं खाना, वो उनको दूसरे वाला खाना है। सो इवेंचुअली जो लॉस लीडर होता है उनके लिए, शायद उसमें कुछ नहीं वो कमा रहे, डॉलर वाला जो आइटम है उसमें कुछ नहीं कमा रहे, लेकिन बाकी जो आइटम्स है वहां से वो अच्छा सा उन्होंने मार्जिन रखा हुआ है, एंड दे मेक मनी फ्रॉम दैट। ठीक है, सो आई होप आइडियाज आप समझ रहे हैं मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। पांचवी मिसाल है आइकिया। अब पाकिस्तान में आप बैठ के शायद कम ही जानते होंगे आइकिया क्या है, लेकिन अगर आप बाहर कहीं मुल्क में गए हो, दुबई गए हो या कहीं अमेरिका यूरोप कहीं भी फिर हो, तो एक बहुत बड़ा स्टोर होता है जिसको बोलते हैं आइकिया। आइकिया फर्नीचर का स्टोर है, यानी अगर आप कितनी बताओ यार, जितना फुटबॉल स्टेडियम होता है ना उमूमन, इतनी इनकी बड़ी दुकानें होती हैं। सो समझ लो हर चीज ये करते हैं, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट आइटम टू द बिगेस्ट आइटम, घरेलू सोफे बेडे सब कुछ ये करते हैं। ओके, सो ये आइकिया इनका नाम है। अब बताइए कि आइकिया एक फर्नीचर बेचने वाली जो बिजनेस है, इसका रेस्टोरेंट के साथ क्या ताल्लुक है? क्या तुक बनता है यार कि एक फर्नीचर की दुकान में रेस्टोरेंट हो, लेकिन इन्होंने वहां पे एक रेस्टोरेंट सेटअप किया हुआ है, और वो रेस्टोरेंट निहायत ही सस्ता होता है। यानी दुबई की मिसाल देता हूँ, आप ₹300 में अच्छा खासा नाश्ता कर सकते हो, एंड अच्छा खासा वेस्टर्न स्टैंडर्ड का जो वेस्टर्न ब्रेकफास्ट कर सकते हो। वेस्टर्न जो ब्रेकफास्ट होता है ना, ये आपको दुबई में इतना सस्ता नहीं मिलता। ठीक है, आपको अंडा पराठा चाय पराठा मिल जाएगा, हमारे जो एशियन स्टफ होता है यू कैन हैव दैट, वो काफी सस्ता है। बट उमूमन ये क्या करते हैं, ये इनके लॉस लीडर होते हैं, इनका जो रेस्टोरेंट पूरी फैमिली जाती है खाने के लिए, लेकिन इनको वहां पे आप ये नहीं कि आप जब आइकिया पहुंचते हो फिर सीधे रेस्टोरेंट में चले गए, आपको वो पूरे ऐसे फेर फरा के हर एक आइटम से गुजर के जाके उस रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है। उमूमन जब वहां पे लोग जाते हैं वो घंटे गुजार देते हैं, फिर एट द एंड ऑफ द डे दे लाइक टू सिट के वहां पे वो बैठते हैं, फिर वहां पे बात करते हैं, खाते हैं पीते हैं, दे डिस्कस के ये लेनी चाहिए थी, ये बेड लेनी चाहिए थी, ये अलमारी लेनी चाहिए थी, एंड इवेंचुअली वो तकरीबन आधे स्टोर के अंदर होता है। सो आधे लेवल तक पहुंचते हो अपना रेस्टोरेंट होता है, फिर आप वहां से अपना सफर फिर शुरू करते हो, एंड दिस डेफिनेटली वर्क्स फॉर देम। हर एक जो इनका मेजर स्टोर है उसमें ये रेस्टोरेंट जरूर डालते हैं। ठीक है, समझ आ गई कि लॉस लीडर क्या होता है। ओके, मैं अपनी दो मिसालें देता हूँ। नंबर वन, मेरी जो जिम है वहां पे मैं कुछ दिन लोगों को फ्री देता हूँ, इसलिए क्योंकि वो आएंगे, फैसिलिटीज को इस्तेमाल करेंगे, वहां पे जो सहूलतें हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, और इवेंचुअली क्या उनके जहन में आएगा कि यार ये तो जो चंद इन्होंने दिन मुझे दिए थे मुफ्त के वो तो खत्म हो रहे हैं, और मैं तो और मजीद इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ जिम को। तो वो क्या करते हैं, वो फिर मेंबरशिप ले लेते हैं, यानी महीना वार या सालाना वार वो मेंबरशिप ले लेते हैं, और वहां से मैं पैसे कमाना शुरू कर देता हूँ। चंद लोग हैं जो नहीं करते, वो थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, वो फ्री जो उनको दी जाती है सहूलत, दो चंद दिन उनको फ्री दिए जाते हैं सेशंस, फिर वो चले जाते हैं, बट दैट्स नो हार्म। ठीक है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, मेरे ये तो नहीं है कि जो मेरी मशीनरी वो इस्तेमाल करेंगे वो घिस जाएगी, या मुझे इसके लिए मजीद स्टाफ को लाना पड़ता एक्सेट्रा। वही स्टाफ वहां पर ही रहता है, वही इनको इंडक्शन देता है। इंडक्शन क्या होता है, दिखाते हैं जी ये मशीन ऐसे इस्तेमाल होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो इस्तेमाल करते हैं, एंड मेजोरिटी ऑफ द टाइम, मेजोरिटी कह रहा हूँ, ग्राहक बन जाते हैं। ओके, जो एक और है मेरी जो मैं लॉस लीडर देता हूँ, जिस तरह ये है ना कैंडी क्रश इस तरह गेम्स देता है, इस तरह की मैं भी गेम्स देता हूँ, लेकिन मेरी जो गेम्स हैं वो दूसरी वेबसाइट्स पे होती हैं। ठीक है, और जब दूसरी वेबसाइट्स पे होती है वहां पे मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन उसका जो लॉस लीडर का क्या होता है कि वहां से लोग वो गेमें खेलते हैं, फिर मेरा ब्रांड देखते हैं, मेरे ब्रांड पे क्लिक करते हैं, फिर मेरी वेबसाइट पे आते हैं, और मेरी वेबसाइट पे इस तरह मैंने समझ लीजिए कि मिलियंस में कहना पड़ेगा क्योंकि मुझे उर्दू का मिलियंस नहीं पता, करोड़ों में जाओगे तो आप 350 करोड़ बंदे
महीने के मैं इस तरह ला सकता हूँ अपनी वेबसाइट पे और आते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अब मैं वेबसाइट का मैंने आज तक अभी जिक्र नहीं किया कि कौन सी है, ना मैं अभी फिलहाल करूंगा, शायद किसी दूसरे वीडियो में करूंगा। प्लीज नीचे मत पूछिएगा कि कौन सी वेबसाइट है, ठीक है? मोमन अपने बिजनेसेस नहीं शेयर करता कौन से। ओके, सो क्या है कि वो गेम्स हमें हजारों के पड़ते हैं, लाखों हमें देने पड़ते हैं टू एक्चुअली गेट देम, लेकिन ट्रस्ट मी मैंने उनसे काफी पैसा कमाया। क्योंकि वो मुफ्त क्यों देते हैं? लोग उन पे क्लिक करते हैं, हमारी वेबसाइट पे आते हैं, हमारी वेबसाइट पे इश्तेहार लगे होते हैं, एडसेंस वगैरह आपको पता है, और वहां से हम पैसा कमाते हैं। ओके, जो तीसरी मिसाल मैं देने वाला हूँ, तीसरी मिसाल है जो मेरी मैरिज वेबसाइट्स हैं उन पे मैं फ्री मेंबरशिप देता हूँ। फ्री मेंबरशिप एक हद तक होती है, ये नहीं है कि उनको सारी की सारी फैसिलिटीज दी जाती है, सारे का सारा एक्सेस दिया जाता है, सारी पूरी ऑप्शंस उनको दिए जाते हैं। फ्री ऑप्शन क्या होता है कि अगर फर्ज कीजिए उसमें 18% या 20% जो होता है वो, यानी एक दूसरे से बात करना वगैरह वगैरह, वो हम प्योरली प्रीमियम लोगों के लिए रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो पैसे देते हैं फिर वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी स्टेजेस होते हैं, किसी की प्रोफाइल पढ़ना, अपने डिटेल्स डालना, जांचना कि देखना कि कौन कहाँ पे है एक्सेट्रा, कौन आपके जैसे मैच करता है एक्सेट्रा, वो हम एब्सोल्युटली फ्री देते हैं। अगर वो हम फ्री ना देते, ये लोग नंबर वन आते ना, फिर बाद में प्रीमियम मेंबर्स ना बनते हैं। अगेन दिस इज अ मॉडल सबकी ऐसी वेबसाइट्स पे चलता है, एंड इसको हम लॉस लीडर बोलते हैं, ठीक है? ओके, अब मैं मिसालें आपको दे रहा हूँ 4-5, आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो ओके अपने ही बिजनेसेस में। नंबर एक, फ्री मोबाइल चार्जिंग। ओके, फ्री मोबाइल चार्जिंग से क्या मुराद है? मैं लंदन में रिसेंटली मार्टिन के साथ था, हम एक टेलीविजन शो पे जा रहे थे, तो क्या था कि क्या हुआ कि सुबह सुबह हमने होटल छोड़ दिया, हमने टाइम स्पेंड किया वहां पे स्टूडियो पे, जब हम बाहर निकले तो हमारी जो ट्रेन थी उसके 4-5 घंटे रहते थे, लेकिन हमारे जो मोबाइल्स थे ना वो बिल्कुल खाली हो चुके थे चार्जिंग से, और हमारे पास ना तो होटल था वापस जाने के लिए, ना कि और हमारे पास कोई जरिया था अपने मोबाइल्स चार्ज करने का। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि हम एक मोबाइल शॉप पे गए और हमने 20 या 25 पाउंड की वो मोबाइल चार्जिंग वाली जो होती है ना डिवाइस, वो ली, और उसको इस्तेमाल करके कम से कम हमने ये देख लिया कि जी हमारी ट्रेन कब आ रही है, टाइम देख सकते थे। पता है हम घड़ियां भी कम ही पहनते, अब तो मैं पहनता हूँ उतार दिए, लेकिन उस वक्त हम नहीं पहनते थे, एंड मोबाइल के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर है उसमें बड़ा कुछ होता है, ईमेल्स वगैरह भी होते हैं। सो वहां पे उस मौके पे वी हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन उससे भी पहले हमें मोबाइल शॉप नहीं मिल रही थी, एंड काश कि हमें को चार्ज करने देता। हम एक आध जगह पूछा भी है किसी रेस्टोरेंट से वगैरह कि जी हम प्लीज यहाँ पे प्लग कर सकते हैं, दुकानदारों से पूछे, कहते हैं नहीं। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव अ मोबाइल, अगर आपकी मोबाइल रिपेयर शॉप है या ऐसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो आप एक बोर्ड लगा दीजिए कि यहाँ पे हम फ्री मोबाइल चार्ज करने देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको वहां पे खड़ा होना है और आप उसको उतनी देर चार्ज कर सकते हैं जब तक आप वहां पे खड़े हो। और जब वो बंदा आपकी दुकान में खड़ा है, वो और क्या करेगा? आगे पीछे देखेगा, झांकेगा, फिर उसके जहन में आएगा जी मेरे तो केबल नहीं है, फिर वो आपसे केबल ले लेगा, जी मेरा वो चार्जर नहीं है, फिर आपसे पूछेगा जी वो फला फला हैंडसेट है आपके पास, वो दिखा दीजिए, और शायद वो उसकी मर्जी बन जाएगी, यार अपने लिए या किसी के लिए ले लेता हूँ, ये शायद वो फोन जो चार्ज कर रहा है उसमें कोई खराबी है, कहते इसको ठीक भी कर दीजिए। सो उसकी मानूसी बढ़ जाएगी आपके साथ, ही विल बिकम लाइक, वो उसके जो जितने गार्ड्स है ना वो गिर जाएंगे, और ही विल बिकम अ कस्टमर ऑफ योर्स। एंड मैं इसलिए कहता हूँ कि उनका होना वहाँ पे जरूरी है, एक तो है ना कि ऑब्वियसली वहाँ पे खड़े होते हैं, आप ही दुकान को जांचते हैं देखते हैं, दूसरा कि आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते किसी और बंदे का फोन, ये ना हो कोई चोरी करके ले जाए या वो गिर जाए टूट जाए, सो एक्सेट्रा। जैसे आप यहाँ पे रहिए, जितनी मर्जी देर आपने खड़ा होना खड़ा होइए, और यहाँ पे अपना फोन चार्ज करते रहिए, आपकी कोई बिजली का कोई खर्चा नहीं आएगा, इट्स बेसिकली नेक्स्ट टू नथिंग। लेकिन ये ऐसी सहूलत है जो फर्ज कीजिए बिजनेसमैन या एक बंदा अपने शहर से बाहर गया हुआ है, आपके शहर गया हुआ है, इट विल बी अ मेजर सहूलत उस बंदे के लिए, सवाब अलहदा, लेकिन फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ लॉस लीडर, ठीक है? ये मिसाल थी नंबर एक। नंबर दो, फ्री कावा, ठीक है? कावा 99% पानी होता है, 1-2% उसमें फ्लेवरिंग्स होती है, एक तो चाय होती है, मैं कावे की बात कर रहा हूँ। अगर आप रेस्टोरेंट रन करते हो, किसी भी कोई किस्म का फूड बिजनेस रन करते हो, तो वहां पर आप फ्री कावे का साइन लगा दो, ठीक है? वो क्या होता है कि इतनी बड़ी देग तैयार कर दो, उसमें पानी भर दो, शक्कर वगैरह डाल के, एक कुछ भी मिंट, वो पूतने का कावा हो सकता है, यानी इसको बोल दीजिए जी जी तुर्की कावा है, ये जी कश्मीरी कावा है, इलायची फेंक दो, ये जी अफगानी कावा है, जो मर्जी आपने कहना है इसको कह दो, ठीक है? एंड व्हाट यू आर एसेंशियली डूइंग, छोटी छोटी सी गिलासियां होती हैं, ज्यादा ज्यादा कहेगा आपको वो गिलासियां धोनी पड़ेंगी, एंड चंद बंदे होंगे जो आदतन वहां पे आप
बिल्कुल मुफ्त का कहवा पियेंगे और कभी भी आपके ग्राहक नहीं बनेंगे, लेकिन जो 90% दूसरे लोग होंगे वो वहां पे बैठे होंगे, थोड़ा सा मीठा मंगवा लेंगे। मीठे में भी आप देख लो, कभी किसी ने अकेला रसगुल्ला या अकेली वो समोसे, चलो समोसे तो मोमन अकेले हम ले ही लेते हैं, लेकिन बर्फी वगैरह की टिक्कियां कम ही हम लेते हैं। किसी को नेचुरली ये नहीं पता होता कि उसकी वैल्यू क्या है, तो वो ले लेंगे। आप 10 रुपए 20 रुपए भी चार्ज करोगे ना, वो आपसे ले लेंगे एंड दे विल एंजॉय इट। चंद बिस्किट्स आप उनको बेच सकते हैं यार, ये जी जो या तो इंडिविजुअल पैकेजिंग आप बेच सकते हो, लाजमी नहीं है कि आपको वही बाजारी कीमत देनी है। यू आर अ रेस्टोरेंट, यू कैन ऑब्वियसली उस प्राइस को इन्फ्लेट कर सकते हो, बट मेजॉरिटी क्या होगा, लोग ये उनके जहन में आ जाएगा कि यार ये बड़ी जबरदस्त जगह है, ये फ्री कावा देती है, सो खाना खाएंगे एंड में फ्री कावा पियेंगे। सो क्या जाता है आपका अगर थोड़ा सा उनको पानी थोड़ी उसमें डाल के दे देंगे गर्म। एंड लाइक आई सेड, इट्स समथिंग जो मैं एब्सोल्युटली जहन से नहीं निकाल रहा, आई सीन दिस बीइंग यूज्ड, तुर्की में इस्तेमाल होती है एंड इट्स अ एब्सोल्युट अमेजिंग आइडिया। आपको बस यही बोलना, मस्का थोड़ा लगा देना, ये जी कश्मीरी कावा, ये जी पेशावरी कावा, ये जी अफगानी कावा, ये जी मेरे गाँव का कावा है, सो ठीक है फ्री कावा। तीसरी मिसाल ये कि अगर आप रेस्टोरेंट या कोई सा भी बड़ा मॉल या कोई सी भी ऐसी बिजनेस चलाते हैं, खासतौर पे जो अच्छे खासे रेस्टोरेंट से जहाँ पे अच्छा खासा फी बंदे का 300-400-500 बिल बन जाता है, तो आपको पता है कम ही लोग होते हैं जो अकेले जाके इन किस्म के रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, मोमन 2 या 3 या 4 ये फैमिलीज होती हैं, तो आप इनको इनवाइट कीजिए और बाहर जो कार पार्क है ना वहाँ पे आप फ्री कार वॉशिंग लगा दीजिए। तो उसमें क्या होएगा कि एक तो आपको पता है आपके जो रेगुलर कस्टमर्स आते हैं वो तो आते ही रहेंगे, ओके उनमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बट जब वो ऑर्डर दे देते हैं फूड का, आप उस वक्त उनको एक वाउचर दे दो जी, भाई जाके आप किसी को दीजिए, वो भाईजान को दीजिए, वो आपकी गाड़ी साफ कर देंगे एब्सोल्युटली फ्री। दूसरा कि ये जो नेक्स्ट टाइम होंगे ना, जो फादर जो ये डिसीजन बना रहे होंगे कि मैं बच्चों को किस रेस्टोरेंट में लेके जाऊँ, कहाँ पे इनको लेके जाऊँ, फैमिली को कहाँ पे लेके जाऊँ अपना खाने के लिए, इनके जहन में आएगा कि जी लालच होगी यार गाड़ी भी गंदी है, वहां पे मुफ्त की साफ भी कर देंगे। ये नहीं कि कितने की वो बाहर करवा सकते हैं, 100 रुपए की 200 रुपए की 300 रुपए की, बट इट द फैक्ट इज को उनको मुफ्त की पा रही है, ओके। एंड आपको क्या यार किसी की दिहाड़ी लगा दो वहां पे 400-500-800 रुपए लगा दो, वो बच्चा साफ करता रहेगा। यू कैन इवन पुट देम ऑन देयर फॉर टिप्स। मैं मान लीजिए जब आपका रेस्टोरेंट अच्छा खासा है, ये लोग जब बाहर जाएंगे इनको लाजमन जो बच्चे होंगे वहां पे जो लड़के होंगे साफ कर रहे हैं उनको टिप ये जरूर देंगे। पर एनीवे इतनी यकी मत कीजिएगा, वो उन बंदों के साथ उनको तनख्वाह भी दीजिएगा एंड इट्स यूनिक सर्विस होगी। आप पहले होंगे बंदे दैट इज एक्चुअली हैविंग सच अ सर्विस, सो दैट वाज अनदर आइडिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ, ओके। सो फ्री कार वॉश अगर आपके रेस्टोरेंट में ग्राहक आते हैं, और तब भी जब वो बैठ के खाना शुरू कर देते हैं, देन गिव देम अ वाउचर कि जी इनकी गाड़ी साफ कर दो, ओके। नंबर चार उनके लिए जो या तो जूतों की दुकान चलाते हैं या अच्छा खासा स्टैंडर्ड की कपड़ों की दुकान चलाते हैं और समथिंग सिमिलर, ठीक है, मर्दों के लिए, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी दुकान ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं दरवाजे पे खड़ा हूं तो मुझे बैक उसका नजर आ रहा है। ऐसी दुकान होनी चाहिए, यानी डीप होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, या उसकी एक आध मंजिलें होनी चाहिए, या यानी पूरा प्लाजा रन करते हो, एनीथिंग लाइक दैट। अच्छा, क्या है फ्री शू पॉलिशिंग क्या है कि एक तो उसकी थोड़ी सी आपको पॉलिश लगनी है, और दूसरी आपको पता है पाकिस्तान में जो मजदूरी है वो काफी कम होती है, रीजनेबल है, एंड यू कैन एक्चुअली किसी को वो कोने में नुक्कड़ में आप जिस तरह ये आइकिया ने अपना रेस्टोरेंट ऐसे फिर फरा के अंदर दरमियान में छुपाया हुआ है, इस तरह जिस तरह के वो मैंने मिसाल दी थी कन्वीनियंस स्टोर की, सुपर मार्केट नहीं, कन्वीनियंस स्टोर जिस तरह उन्होंने ATMs वो अंदर छुपाई हुई एक नुक्कड़ में, इसी तरह आपने इस बंदे को वो नुक्कड़ में छुपा के रखना है। एंड क्या है कि बड़ा सा बाइट साइन लगा देते हैं फ्री शू पॉलिशिंग। एक तो आपके जो रेगुलर कस्टमर होंगे वो खुश हो जाएंगे, यार देखो हमारी कितनी कदर कर रहे हैं, कितनी इज्जत कर रहे हैं कि हमारे फ्री शू पॉलिश करके दे रहे हैं, अपने मुलाजम आप खुद भी करवा सकते हो। लेकिन लास्टली क्या होगा, जो बंदा इस शू पॉलिश करने के लिए आएगा उसको एक सोफा लगा दीजिए, कम सीट कुछ सीटिंग लगा दीजिए जहाँ पे वो बैठे होंगे अपने शू पॉलिश करने के लिए, बंदे को कह दीजिए यार थोड़े मस्के लगा के इसको साफ करना, वो उसके टिप भी बनेंगे, बट ऑब्वियसली देयर इज नो चार्जिंग। वहां पे आप अपनी जो बेस्ट डील्स है ना, बेशक कपड़े की हैं, बेशक यानी मर्दाना कपड़े की हैं या जूतों के, जो भी हैं, अपनी बेस्ट डील्स वहां पे लगा दीजिए। बिकॉज क्या होता है, मोमेंट जब बंदा बैठा होता है, जस्ट लाइक द फोन की मिसाल आपको दी थी, फोन शॉप की मिसाल दी थी, वो बोर होएगा, वो आगे पीछे झांक रहा होगा, देख रहा होगा, उसकी नजर किस चीज पे पड़ेगी, आपकी डील्स पे, फिर वो उसको देखना शुरू कर देगा, एंड वास्ट मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगेन दे विल बिकम कस्टमर्स। और ये ऐसे कस्टमर होंगे जो आपके दुकान में अदरवाइज इन्होंने आना ही नहीं था, ना इन्होंने कोई चीज़ खरीदनी थी, ये वो वाले कस्टमर्स हैं जिनको खास जरूरत नहीं है लेकिन दे स्टिल बाय थिंग्स। ठीक है, हम सब ये करते हैं अमूमन, जब हमें कोई खास जरूरत नहीं होती फिर भी हम चीज़ ले लेते, चलिए अगली ईद के लिए लीजिए, चलिए ले लिया, या एक फालतू जोड़ा ले लिया एक्सेट्रा, ये किसी के लिए तोहफे में ले लिया। ये थी मेरी चार मिसालें जो आपके लिए थी। आई होप कि आप
ये मैं अपनी तरफ से दे रहा था, आई होप आप भी सोच सकते हो, जरूरी नहीं है ये आपको इस्तेमाल करनी है, या इनका ही आप कोई रद्दो बदल करके आप लगा सकते हो, आप रेस्टोरेंट है उसमें कोई एक आइटम डाल सकते हो जो एब्सोल्युटली सस्ता है, एब्सोल्युटली आपका लॉस लीडर, आप उसके ऊपर नहीं पैसे कमा रहे, मे बी आपका डिजर्ट है, मे बी आपकी बिरयानी है, मे बी समथिंग आपका टिक्का है, एनीथिंग, बट आप समझ लो व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है? अपने बिजनेस को अगर आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है देन स्टिक इन ए लॉस लीडर. सब बड़ी कंपनीज करती हैं एंड आपको पता है वो कहाँ पे, वी नो देम, हम उन्हें जानते हैं, वो मल्टी नेशनल है, आप भी मल्टी नेशनल इंशाल्लाह हो सकते हो वन डे, बट यू नीड टू एड ए लॉस लीडर इन दैट. मैं मजा चाय वाला, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. चायवाला.com पे जाना मत भूलिएगा. सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, अभी भी यकी कर रहे हैं या नए आए हैं तो प्लीज यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फेसबुक पे हैं तो लाइक कीजिएगा. अगर आप समझते हो कोई आप किसी बंदे को जानते हो जो बिजनेस करता है तो सेंड देम दिस वीडियो, ठीक है? उनका भला हो जाएगा इंशाल्लाह. एंड दैट्स इट, अपना ख्याल रखिएगा अंटिल द नेक्स्ट वीडियो. इससे पहले गुरुवत से बर्बाद हो जाओ.